study visa process of Czech Republic. Assalamu alaikum, mera naam Raja Rehan hai aur aaj main Czech Republic mein aaya hu. To ye mere saath Shahzeb bhai hain, ye yahan pe student hai aur inko yahan pe 1 saal ho gaye, last year yahan pe aaye the. To aaiye hum inse poochte hain ki jo koi Pakistan se Czech Republic mein study basis pe aana chahe to kya kuch process hai aur kya kuch expenses unke aate hain, kuch documentation chahiye hoti hai. Shahzeb bhai aap se Czech Republic का जो वीज़ा है वो लेना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट शेंजन स्टेट्स. एक तो इसकी फ़ीस बहुत लो है, इसके अंदर आप कह लो कि इसकी रेंज फीस होती है 1500 to 3500 यूरोस. कुछ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जाती है 4000 to 5000 यूरोस पर एनम. और जो इधर का प्रोसेस है वो एक थोड़ा सा बहुत आसान है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इनको चाहिए नहीं होती. बस आप यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पर जाते हो, वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हो, वो आपको 18 to 20 डेज़ के अंदर रिस्पॉन्स बैक करके एडमिशन दे देते हैं. और उसके बाद आपको वो पूछते हैं अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो कि रजीम लिस्ट में हम आपको ऐड कर दें, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ खुद दिलवाती हैं अपने मास्टर स्टूडेंट को. बैचलर वालों को मैनुअली अप्लाई करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा. तो ये सारा प्रोसेस है. इसके अंदर आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो बहुत कम आते हैं. जस्ट एक सुपर लीगलाइजेशन वाला फैक्टर है, जो आपको अपनी प्रीवियस डिग्री जो है ना सुपर लीगलाइज करवानी होती है. जस्ट आपको प्रीवियस डिप्लोमा अपना जो है ना वो सुपर लीगलाइज करवाना होता है. उसके अलावा और कुछ भी नहीं इनको चाहिए, वो भी आपने इधर आके इनको देना होता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो पहले डिमांड करती हैं, वो आप लीगलाइज करवा के उनको भेज देते हो, फिर वो आपको 2 लेटर्स भेजती हैं जिसमें एक अकोमोडेशन होता है और एक स्टडी कन्फर्मेशन, वो आपकी वीज़ा फाइल के साथ लगता है. और वीज़ा फाइल के अंदर जस्ट आपके पासपोर्ट लगता है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, 2 वो जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी भेजती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो आप पाकिस्तान से बनवाते हो और उसकी आपने चेक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन करवानी होती है. उसके बाद अगर रजीम लिस्ट के थ्रू आपका नेम ऐड हुआ है वीज़ा के लिए, तो वो आपको 35 डेज़ के अंदर जो है डिसीजन आ जाता है, विद इन 35 डेज. और अगर आपने मैनुअली किया तो आपके 2 मंथ से अबव उसके अंदर आपका आंसर आता है. और मोस्टली यहाँ पे रिजेक्शन रेशियो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. अभी पिछले 2 सालों में जस्ट 2 to 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिजेक्शन हुई है, जिनमें 1-2 की तो रीज़न ही ऐसी थी कि उनको एम्बेसी ने टाइम दिया था कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी कि आप ये कंप्लीट कर लें, लेकिन उन्होंने वो कंप्लीट नहीं की तो उनका उस बेस पे रिजेक्ट हुआ है. बाकी प्रोसेस बाकी आसान है. इस कंट्री को आप लोग फोकस करें, मोस्टली लोगों का इसका पता ही नहीं है और ये भी शेंजन स्टेट है. अच्छा, आपने जैसे कि शहज़ेब भाई ने डॉक्यूमेंटेशन तो सारी बता दी है, तो चेक रिपब्लिक एक गुड ऑप्शन है. कंट्री भी बहुत अच्छा है, यूरोप में है, शेंजन जोन में आता है. फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत ईजी है, एक्सपेंसिस बहुत कम है. फिर ये है कि वीज़ा सबसे बेस्ट है कि पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हो तो वीज़ा रेशो बहुत बेस्ट है. तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कहीं पर कोई काम नहीं पा रहा, ठीक है, तो चेक रिपब्लिक में ज़रूर अप्लाई करूँ.